में क्या हो गया ये भाई, पायल धोनी ने सर फाड़ दिया मेरा, इसीलिए मैंने आज यहाँ बोल। हेलो सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं होप करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, हमेशा की तरह खतरनाक होंगे। तो गाइस अभी मौसम देखो इतना मस्त हो रहा है ना, मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रहा है और भाई साहब ऊपर बारिश वारिश का मतलब बढ़िया माहौल हो रखा है, और बारिश भी हुई है अभी थोड़ी देर पहले ना। देखो नीचे गीला हो रखा है। वो भाई तो अभी इनको छोड़ के आया था मैं नीचे और ये फिर आ गए हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा मेरे को लगता है। मैंने अपने एक भाई को बुलाया जो कि करेगा मेरे टेस्ट, तो अभी वो आने वाला है, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं क्यों टेस्ट करवा रहा हूँ और क्यों नहीं। मतलब अपने भाई आए अर्जुन भाई, क्या हाल है अर्जुन भाई? तो भाई अर्जुन भाई का ये सीन है कि अर्जुन भाई ना मतलब मेरे टेस्ट वगैरह करने घर पे आ जाते हैं, अगर और किसी को कराना हो तो दिल्ली में कहीं दिल्ली में आप कहीं भी करा सकते हो। और इंस्टाग्राम दे दूँगा, नंबर नहीं दूँगा, लोग परेशान हो है ना, नंबर दूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे ना। तो अभी कुछ टेस्ट है मेरे जो करने हैं, तो भाई करेगा। आइयो आशी भाई मेरे मुंह को मार दो, मैं बोरा हो जाऊंगा। क्या बोला तूने? तो जिम से तो फायदा हो रहा है, मेरी वेन्स दिख रही है। भाई क्या खा रखा है तूने? क्या हो मार खा रहे भाई? क्या क्या पहला बंदा है तू जिसने एकदम दी? चलो अच्छी बात है, और भी लेना तो पार्टी भी चल रहा है आज भाई। कोई वाले पुराने नहीं आ रहे हैं मेरे को, वो तो पूरे गले में उछेड़ के अच्छा। A few moments later. और गाइज आज है बेसिकली मेरा चौथा दिन है, शायद तीसरा दिन है, तो मैं आज मैं अपनी जो बैंडेज है वो रिमूव करवाने आया हूँ और देखते हैं कि मतलब कैसा क्या रिज़ल्ट है। और देखो मेरे को किसी ने सजेस्ट करा है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ चल में, ठीक है। तो अब तक तो इन्होंने जिस तरीके से मतलब पूरा ट्रीटमेंट हुआ है मेरे को बहुत सही लगा। मतलब देखो मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि पेन नहीं होगा, ये है वो है, पेन तब होता है जब ये आपको इंजेक्शन देंगे, ठीक है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। देखो पेन तो तब तो होना ही होना है, ठीक है, उसके दौरान में मतलब कोई पेन नहीं होगा, कुछ आपको फील नहीं होगा, मस्त आप सो सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो, इन बिटवीन आपको लंच मिलेगा और अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो इवनिंग स्नैक्स भी मिल सकते हैं। तो हमने कराया है, बस पीछे से कराया है, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, वो एकदम से पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, मेरे को भी समझ नहीं आया। ये बेसिकली मेरी क्या है एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। और गाइस देखो मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है आप लोगों को बताने में, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो देखो अब तो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो अगर आप उसको चेंज करा सकते हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और यार मैं एक चीज़ और बोलूँ, इस दुनिया में ना देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई गोरा है, कोई काला है, इन चीज़ों से देखो हमें जज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लोग क्या है, लोग इस चीज़ को लेके जज करते हैं। बाहर दूसरी कंट्रीज़ में ना मतलब मैंने अपने इंडिया में ही वो ये चीज़ देखी, अपने दूसरे जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में लोग ना इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेते हैं, बट हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा लोगों में ना चुल रहती है, ये है वो है, तो इस वजह से लोग मतलब बहुत परेशान रहते हैं, इसी चीज़ को लेके वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी दूसरे की वजह से। तो मैं भी आपको ये बोलूँ कि आप लोग ना ज़्यादा सोचा मत करो, ठीक है, मतलब जो कोई बोल रहा है बोलने दो, आपको इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो अभी हम आपसे आपको मिलाने वाले हैं शिवानी मैम से। मैम सबसे पहले तो अपना इंट्रो दे दो। हाय,
I'm Shivani. I'm a center manager in Center for Advanced Plastic Surgery. And अभी भी recently हमारे यहाँ से आकाश ने hair transplant कराया है. So I would see, kindly see the results and please refer and come to us with more patients and get beautiful results. As in for your hair is the most important thing in your personality. तो आप please आइए Center for Advanced Plastic Surgery and you will get beautiful results. जिनके पास भी बाल नहीं है, you can have your beautiful hair and develop all the confidence and enhance your personality. थैंक यू मैम. एक बार एड्रेस और बता दो मेरे को यहाँ का. वी आर लोकेटेड इन पंचशील एनक्लेव D107. आकाश विल शेयर आवर लोकेशन इन द लिंक्स. काइंडली गेट इन टू इट. सो गाइस रिजल्ट के लिए तो देखो मैं हूँ, मैंने यहाँ से खुद कराया और जो भी रिजल्ट होता है जैसे भी होता है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा. और बट मैम आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा. और इनका भी इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने. तो अभी चलते हैं घर. अभी मैंने भैया ने तो भैया ने भाई बहुत हेल्प करी है. थैंक यू सो मच भैया, मिलते हैं आपसे. ये है पूरा इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने कराया. इंस्टीट्यूट बोल सकते हो या फिर हॉस्पिटल बोल सकते हो. यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी दी जाती है. A few moments later. तो अभी हम बैठे थे तो सूरज भाई ने का कॉल आया अपने पास. हाँ भाई सूरज भाई क्या कह रहे थे? मैं कहाँ गया है वो एक दो दिन से सर में क्या हो गया ये? भाई पायल जोन ने सर फाड़ दिया मेरा. पायल जोन ने? हाँ. अरे भाई बच के रहो. अरे यार कुछ नहीं बस थोड़ा. अरे कुछ नहीं हो, मैंने सोचा कि यार थोड़ा टाइटल वाइटल डाल दूंगा. पायल जोन ने सर फाड़ दिया, वो व्यूज लेते हैं, मैंने सोचा मैं भी ले लूं. आजकल चल भी YouTube पे यही रहा है. हाँ. लोग कुछ भी डाल रहे हैं, YouTube प्रमोट भी कर रहा है. ये बात तो सही बोली भाई तुमने. और चलो भैया भाभी से तो बढ़िया ये ना कि तुमने कुछ यूनिक. ये भी है. चलो भाई ध्यान रखो. ठीक है बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी है ना. ओके बढ़िया कंटेंट बनाते हैं. चलो ओके बाय. ओके बाय. पीस आउट. यो. तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब मैंने ट्रांसप्लांट कराया तो उसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़े मजे ले लिए जाए यार. तो गाइस अभी मैं फिलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि हमारे इधर एक पपी है, उसके चोट लग गई है. तो ना वैसे हमने पट्टी वट्टी बांध दी थी, ये फोटो देखो. बट उससे ना उसको मतलब ठीक नहीं हुआ वो ठीक से. तो अभी मैंने एक बंदे को बुलाया था जो कि हेल्प करने आ रहा है, तो अभी जाते हैं और उसको वो मतलब उसमें दवाई ववाई लगाएगा. तो ये देखो ये है वो जो मतलब यहाँ पे बहुत सारे पपी हैं और जो मेन हैं ये देखो इनको भी ना मतलब वो जो मेन है वो है अंदर. वो देखो जो जिसके पैर में चोट लगी हुई है उसको भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ये देखो. हाँ जी वहीं रहो नहीं आने की ज़रूरत है. अब तो फिर भी ठीक हो गया बेचारा. और गाइस देखो ये सब जो है अडॉप्शन के लिए हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी मम्मी नहीं है. अगर कोई भी इनको अडॉप्ट करना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर मेरे आप DM कर सकते हो, मैं लोकेशन वगैरह सब बता दूँ. ये देखो तो यहीं पे मतलब एक पार्क सा है, यहीं पे लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पे ये डाला हुआ है और इसके पीछे तरपाल वगैरह डाली हुई ताकि पानी ना जाए. फिर भी देखो थोड़ा बहुत पानी जा रहा है यहाँ पे और यहाँ के आसपास के लोग इनको खाना देते हैं. ये देखो ये है बेसिकली 5-3 ये रहे और 2 इधर हैं. तो ये है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और अब तो ये फिर भी बहुत ठीक है. ये देखो पता नहीं यार इनकी मम्मी कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, क्योंकि 3 दिन से मैं देख रहा हूँ तो मेरे को तो अभी तक भाई दिखी नहीं है. अभी इनको परेशान नहीं करते हैं, इनको मतलब यहीं पे ही बैठने देते हैं. चलो भाई. और अभी इनको यहाँ पे दवाई ववाई दी है, एक भाई आया तो उन्होंने दवाई दी है इनको. तो ये सीन है भाई इनका. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दवाई 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 हाँ जी 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 हाँ जी. और एक ये है इसके भी कान में, देखो चुप बिलो इधर है. देखो इसके भी कान में मतलब चोट लगी हुई है, इसको भी वो दवाई ववाई देखी गई. तो ये वाला कान है मतलब पूरा इसमें स्वेलिंग नहीं रखी है पूरे में. और गाइस देखो अडॉप्शन वाली बात मैं इसलिए बोल रहा था कि मतलब क्योंकि आप लोग अच्छे से रखोगे इनके, यहाँ पे देखो बिल्कुल इतनी अच्छे से केयर नहीं हो पा रही. और बहुत सारे लोग तो मतलब कोई कहीं भाग जाता है. थोड़े टाइम पहले भी एक पपी था, उसको मतलब उसकी डेथ हो गई थी और मतलब उसका बहुत वेट करा. मतलब एक कुछ NGO वालों को भी हमने कॉल वॉल करा बट किसी ने कुछ अच्छे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करा.
इसका नंबर दे दो, उसका नंबर दे दो, बस यही होता रहा। और मैं तो ये बोलूँगा अगर कोई भी आप इनमें से अगर कोई अगर सब ले जाते हो ले जा सकते हो तो इससे कोई अच्छी बात ही नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे भाई तू पाल ले, तू ज्ञान दे रहा, भाई मैं नहीं पाल सकता। तभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ले जा सकते हो तो प्लीज़ आप लोग ले जाओ। कोई एनजीओ वाला या कोई भी मतलब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको यहाँ से ले जाओ, एटलीस्ट बच तो जाएंगे। एक तो ये भी बिल्कुल नहीं मानते, बार बार आते हैं, इनका भी क्या कर सकते हैं, भी बच्चे हैं इनके, तो इनको भी मतलब मेरे तो यार मतलब बहुत अजीब मन हो गया ये सब देख के। तो अगर कोई भी इनको लेना चाहता है या कोई भी मतलब मैं तो ये बोलूँ अगर कोई इनको ले जाना चाहता है कोई हेल्प वेल्प के लिए, मैं कुछ नहीं बोलूँ कि भाई पेटीएम नंबर ये वो, अगर आप ले जा सकते हो तो भाई ये इंस्टाग्राम, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मेल है, अगर आप मेल कर सकते हो तो मेल भी कर देना, बट यहाँ से इनको ले जाओ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और मेरे घर में तो देखो भाई मैं नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है रखने की, मेन बात है। अगर मैं फरीदाबाद में रह रहा होता वहाँ थोड़ा बहुत अच्छा मतलब थोड़ा बड़ा घर है तो वहाँ पे मैं रख सकता था, बट मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो यहाँ पे जगह नहीं है, बेसिकली ये सीन है। और आप में से अगर किसी को भी स्किन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं जैसे मैंने ट्रांसप्लांट वगैरह कराया तो वो ट्रांसप्लांट के अलावा और भी सर्विसेज देते हैं, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हो। मैं सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो कॉल करके पूछ लेना। तो गाइज ये थी कुछ वीडियो और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आपने नहीं करा है तो। और एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है तो सरप्राइज़ के लिए इंस्टाग्राम मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो फॉलो नहीं करता उनसे फॉलो कर लेना, बता दिया। और वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताओ, क्वालिटी में फ़र्क है नहीं, देखो आउटरो तो अभी मैं बना रहा हूँ फ़ोन से क्योंकि मैं नीचे फ़ोन लेके गया था, बाहर बारिश आ रही थी। क्वालिटी में कितना फ़र्क है कितना नहीं मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ, आवाज़ में कितना फ़र्क है कितना नहीं वो भी मेरे को कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।